दोस्तों एक बार फिर आपका हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। विद्युत चुंबकीय सिद्धांत का हिंदी वर्जन का ये हमारा थर्ड लेक्चर है, जिसमें हम आवेशित कण की गति के बारे में अध्ययन करेंगे। इस अध्याय में हम अनुप्रस्थ समरूप विद्युत क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन की गति या विद्युत क्षेत्र विक्षेपक क्षेत्र के रूप में हो तो उसकी गति किस प्रकार की होगी उसके बारे में अध्ययन करेंगे। यदि इलेक्ट्रॉन अनुप्रस्थ समरूप विद्युत क्षेत्र में प्रवेश करे तो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन का अनुप्रस्थ समरूप विद्युत क्षेत्र में दो प्रकार से प्रवेश हो सकता है। जब इलेक्ट्रॉन विद्युत क्षेत्र में क्षैतिज दिशा से प्रवेश करता है या जब इलेक्ट्रॉन विद्युत क्षेत्र में किसी भी दिशा से प्रवेश करता है। अब हमने हमारे लास्ट लेक्चर में जब इलेक्ट्रॉन विद्युत क्षेत्र में क्षैतिज दिशा से प्रवेश करता है तो उसकी गति किस प्रकार की होगी उसके बारे में अध्ययन किया था। यहां पर हम जब इलेक्ट्रॉन विद्युत क्षेत्र में किसी भी दिशा से प्रवेश करे तो उसकी गति किस प्रकार प्रभावित होगी उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो जब इलेक्ट्रॉन विद्युत क्षेत्र में किसी भी दिशा से प्रवेश करता है, अब यहां पर हमने x, y एंड z दिशाएं दर्शाई है। ये प्लेट AA डैश और ये प्लेट BB डैश है। प्लेट BB डैश धनावेशित है जबकि AA डैश ऋणावेशित है। क्योंकि विद्युत क्षेत्र की दिशा धनावेश से ऋणावेश की ओर होती है, अतः विद्युत क्षेत्र की दिशा प्लेट BB डैश से प्लेट AA डैश की ओर होगी। So, माना यह विद्युत क्षेत्र E है, यह समरूप विद्युत क्षेत्र है। माना एक इलेक्ट्रॉन V वेग से विद्युत क्षेत्र E के साथ 90 डिग्री माइनस थीटा कोण बनाते हुए प्रवेश करता है तो यह इलेक्ट्रॉन की गति की दिशा है। यह इलेक्ट्रॉन V वेग से इस विद्युत क्षेत्र में प्रवेश करता है तो इलेक्ट्रॉन की गति यदि यह विद्युत क्षेत्र नहीं होता तो इस दिशा में होती। परंतु विद्युत क्षेत्र ऊपर की ओर कार्य कर रहा है, इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित कण है, अतः वह धनावेश की ओर आकर्षित होगा तो इलेक्ट्रॉन पर विद्युत बल नीचे की ओर लगेगा एवं इलेक्ट्रॉन इस दिशा से गति कर रहा है। क्योंकि बल इस दिशा में है और वह इस दिशा में प्रवेश करता है तो उसका पथ इस प्रकार होगा, अतः इलेक्ट्रॉन परवलयाकार में गति करेगा। तो बिंदु P पर इलेक्ट्रॉन एक्स एक्सिस के साथ में थीटा कोण बनाते हुए प्रवेश करता है। ये हमारी वाई दिशा है। क्योंकि इलेक्ट्रॉन का वेग वी है, अतः इसका एक्स दिशा में घटक वी एक्स तथा वाई दिशा में घटक वी वाई होगा। तो यहां वी एक्स एवं वी वाई क्रमशः वी के एक्स एवं वाई दिशा में घटक हैं। बिंदु Q पर यदि हम वेग के घटक Vx डैश एवं Vy डैश माने तो विद्युत क्षेत्र के कारण Y दिशा में इलेक्ट्रॉन पर बल F इक्वल टू E इंटू E, क्योंकि F इक्वल टू Q इंटू E होता है। यहां पर Q इक्वल टू E है जहां E इलेक्ट्रॉन का आवेश है तथा E विद्युत क्षेत्र है। तो स्मॉल E
इलेक्ट्रॉन का आवेश, जबकि कैपिटल ई विद्युत क्षेत्र का मान है। वाई दिशा में इलेक्ट्रॉन पर कार्यरत त्वरण। अब न्यूटन के गति के नियम से F इक्वल टू ma तथा यहां पर F इक्वल टू ee है, तो ma इक्वल टू ee, इससे y दिशा में इलेक्ट्रॉन पर कार्यरत त्वरण का मान a इक्वल टू ee अपॉन m प्राप्त होगा। इस स्थिति में इलेक्ट्रॉन की गति पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र के प्रभाव में बॉल की गति के समान होगी। तो इलेक्ट्रॉन पर विद्युत बल लगता है तथा इलेक्ट्रॉन इस दिशा में गति कर रहा है, अतः इलेक्ट्रॉन की गति पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में बॉल की गति के समान होगी। यह द्विविमीय गति है, अतः इलेक्ट्रॉन की गति पर वलयाकार होगी, जो हमने पहले डायग्राम में दिखाई थी। जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन ऊपर की ओर जाता है तो इसके वेग का क्षैतिज घटक vx तो समान रहता है, परंतु इसका ऊर्ध्वाधर घटक vy घटता जाता है। तो जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन ऊपर की तरफ जाएगा, vy का मान धीरे धीरे कम होता जाएगा तथा एक स्थिति ऐसी आएगी जब vy का मान शून्य होगा। इसके पश्चात इलेक्ट्रॉन पुनः नीचे की ओर गति करेगा। उच्चतम ऊंचाई पर vy इक्वल टू जीरो तथा इसके पश्चात इलेक्ट्रॉन या आवेश कण अपनी दिशा उलट देता है एवं नीचे की ओर गिरने लगता है। तो पहले इलेक्ट्रॉन नीचे से ऊपर की तरफ जाएगा, जैसे जैसे ऊपर जाएगा vy का मान कम होता जाएगा। उच्चतम ऊंचाई पर vy बराबर जीरो और उसके पश्चात इलेक्ट्रॉन की गति की दिशा उल्टी हो जाएगी, अर्थात इलेक्ट्रॉन ऊपर नहीं जाकर नीचे की ओर वापस आने लगेगा। कण का बिंदुपथ। जब इलेक्ट्रॉन नीचे की ओर आता है तो इसका वेग बढ़ने लगता है, तो बिंदु P पर इलेक्ट्रॉन का वेग v था। यह इलेक्ट्रॉन x अक्ष के साथ में थीटा कोण बनाते हुए प्रवेश करता है। माना इस v के x एवं y दिशा में घटक vx एवं vy हैं, अतः vx क्या होगा, vx इक्वल टू v cos थीटा तथा vy इक्वल टू v sin थीटा। तो v का x दिशा में घटक v cos थीटा तथा v का y दिशा में घटक v sin थीटा होगा। अब vx dash इक्वल टू vx इक्वल टू v cos थीटा, क्योंकि हमने कहा है कि इलेक्ट्रॉन के x दिशा में वेग का घटक परिवर्तित नहीं होगा, केवल इसका y दिशा में घटक परिवर्तित होगा। सो vx dash इक्वल टू vx इक्वल टू v cos थीटा। अब गति के प्रथम समीकरण से v इक्वल टू u प्लस at, तो vy डैश इक्वल टू vy प्लस at। a अगर इलेक्ट्रॉन ऊपर की तरफ जा रहा है तो ऋणात्मक होगा, इसलिए यहां पर हमने माइनस a लिखा है, जबकि vy का मान v sin थीटा है। सो vy डैश इक्वल टू v sin थीटा माइनस at। यदि बिंदु q के निर्देशांक x कॉमा y हो तो x इक्वल टू vxt, क्योंकि x दिशा में वेग vx है। तो t समय पश्चात कण की स्थिति बिंदु q पर है, इसलिए x इक्वल टू vxt। अब vx इक्वल टू v cos थीटा, सो x इक्वल टू v cos थीटा इंटू t। गति के द्वितीय समीकरण से y इक्वल टू vy t प्लस हाफ at स्क्वायर, क्योंकि s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर होता है। यहां पर u से तात्पर्य vy से है, जबकि s y दिशा में विस्थापन है जिसे हमने y लिखा है।
क्योंकि बिंदु Q के निर्देशांक x, y हैं। अब Vy की जगह हम V sin theta रखें, so y equal to V sin theta into t plus half at square। अब यहां से अगर हम t का मान निकालें तो t equal to x upon V cos theta। अब t equal to x upon V cos theta हम इस समीकरण में रखें, so y equal to V sin theta into x upon V cos theta plus half a, एंड टी की जगह x upon V cos theta, so t square था इसलिए x upon V cos theta whole square। अब V से V cancel हो जाएगा, so y equal to tan theta into x plus half a upon V square cos square theta into x square। so हमको y equal to tan theta into x plus half a अपॉन वी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इंटू एक्स स्क्वायर इक्वेशन मिल गई है। यह समीकरण y इक्वल टू ए एक्स प्लस बी एक्स स्क्वायर प्रकार के समीकरण है। यहां a इक्वल टू टेन थीटा तथा b इक्वल टू हाफ a अपॉन वी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा है। चूंकि यह समीकरण परवलय की समीकरण है, अतः समरूप विद्युत क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन का पथ सामान्यतः परवलयाकार होगा। उड्डयन काल, जिसे हम t से निरूपित करेंगे, उड्डयन काल वह समय है जिसमें कण अपने प्रक्षेप बिंदु के क्षैतिज तल से जितने समय तक हवा में रहता है, तो हमारा प्रक्षेप बिंदु यहां से हमने कण को ऊपर की तरफ भेजा है, वह कुछ समय पश्चात वापस नीचे की ओर आएगा तथा वापस इसी तल पर टकराएगा। तो इस तल से कण ऊपर की ओर हवा में कितने समय तक रहता है उसे हमने उड्डयन काल कहा है। क्योंकि कण द्वारा ऊपर की ओर जाने में लिया गया समय उसके द्वारा नीचे आने में लिए गए समय के बराबर होता है, अतः उड्डयन काल t इक्वल टू टू इंटू स्मॉल t। अब ये डायग्राम अभी हमने लिया था तल से उच्चतम ऊंचाई के लिए। अब उच्चतम ऊंचाई की बात करें तो उच्चतम ऊंचाई पर Vy का मान शून्य होगा। सो y दिशा में अंतिम वेग Vy डैश है इसलिए Vy डैश इक्वल टू जीरो। प्रारंभिक वेग ऊपर की तरफ Vy है जिसे हमने V sin theta कहा है तथा ऊपर की ओर गति करते समय Ay इक्वल टू माइनस a। चूंकि Vy डैश इक्वल टू Vy प्लस Ayt, तो यहां पर Vy डैश को हम जीरो कर देते हैं। Vy इक्वल टू V sin theta एंड ए वाई इक्वल टू माइनस ए, सो जीरो इक्वल टू वी साइन थीटा माइनस ए टी। और यहां से अगर हम टी निकालें तो टी क्या आएगा, टी इक्वल टू वी साइन थीटा अपॉन ए। चूंकि उड्डयन काल टी इक्वल टू टू इंटू स्मॉल टी तथा स्मॉल टी की वैल्यू वी साइन थीटा अपॉन ए है, इसलिए उड्डयन काल कैपिटल टी इक्वल टू ट्वाइस ऑफ स्मॉल टी या कैपिटल टी इक्वल टू टू वी साइन थीटा अपॉन ए। कण की उच्चतम ऊंचाई वाई मैक्सिमम, कण की उच्चतम ऊंचाई को हमने वाई मैक्सिमम कहा है। यह वह अधिकतम ऊंचाई है जहां तक कण उड्डयन के दौरान अपने प्रक्षेप बिंदु से ऊपर की ओर पहुंचता है। तो जैसे ही आपने कण को ऊपर की तरफ फेंका था वह धीरे धीरे ऊपर जा रहा है, जैसे जैसे ऊपर जाता है उसका वेग कम होता जाता है तथा उच्चतम ऊंचाई पर उसका वेग शून्य होगा। सो Vy इक्वल टू वी साइन थीटा, Vy डैश इक्वल टू जीरो,
ए वाई इक्वल टू माइनस ए तथा उच्चतम ऊंचाई एच इक्वल टू वाई मैक्सिमम। अब गति के तृतीय समीकरण से वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए वाई इंटू एच। अब v से तत्पर्य वी वाई डैश है जो कि जीरो है, u से तत्पर्य वी वाई है जो कि v साइन थीटा है, ए वाई इक्वल टू माइनस ए एवं एच इक्वल टू वाई मैक्सिमम। सो इसी इक्वेशन को हमने वी वाई डैश स्क्वायर इक्वल टू वी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए वाई एच लिखा है, जिससे हमको यहां से क्लियर पता चल जाए कि वी वाई क्या है, वी वाई डैश क्या है, ए वाई क्या है और एच क्या है। तो ये मान यदि हम यहां पर रखें तो जीरो इक्वल टू वी साइन थीटा होल स्क्वायर माइनस ट्वाइस ए वाई मैक्सिमम, और यहां से वाई मैक्सिमम की वैल्यू निकालोगे तो वो क्या आएगी, वी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन टू ए। सो वाई मैक्सिमम इक्वल टू वी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन ट्वाइस ए। क्षितिज परास, क्षितिज परास को हम कैपिटल आर से डिनोट करते हैं। प्रक्षेप बिंदु तथा वह बिंदु जहां पर कण पुनः पृथ्वी को स्पर्श करता है के मध्य की क्षितिज दूरी क्षितिज परास कहलाती है। तो हमने यहां से कण फेंका था, कण इस प्रकार गति करता है तथा कुछ समय पश्चात वह धरातल पर पुनः किसी बिंदु पर टकराता है। तो प्रक्षेप बिंदु तथा वह स्थान जहां पर कण पुनः धरातल को स्पर्श करता है उनके मध्य की क्षितिज दूरी क्षितिज परास कहलाती है। अतः क्षितिज परास आर इक्वल टू क्षितिज वेग इंटू उड्डयन काल। क्षितिज वेग vx है जबकि उड्डयन काल कैपिटल T है, इसलिए क्षितिज परास r इक्वल टू vx इंटू टी। चूंकि vx इक्वल टू v cos थीटा तथा उड्डयन काल t इक्वल टू 2v sin थीटा अपॉन a, तो vx की जगह हम ये एंड t की जगह 2v sin थीटा अपॉन a रखें तो r क्या जाएगा, r इक्वल टू v cos थीटा इंटू ट्वाइस वी साइन थीटा अपॉन ए। अब v इंटू वी वी स्क्वायर, सो r इक्वल टू वी स्क्वायर इंटू टू साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन ए, एंड टू साइन थीटा कॉस थीटा साइन टू थीटा होता है, इसलिए r इक्वल टू टू वी स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन ए, और यहां से r आ जाएगा v स्क्वायर साइन टू थीटा अपॉन ए, क्योंकि 2 sin थीटा cos थीटा sin 2 थीटा होता है। तो यहां पर हम हमारा लेक्चर एंड करते हैं। इस लेक्चर में हमने यदि कोई इलेक्ट्रॉन अनुप्रस्थ समरूप विद्युत क्षेत्र में किसी भी दिशा से प्रवेश करता है तो उसका पथ किस प्रकार होगा उसके बारे में चर्चा की है। इसी प्रकार हम हमारे हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए नए नए लेक्चर लेकर आते रहेंगे। अगर आपको हमारा ये चैनल पसंद आए तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सो गुड बाय।